ऊपर वाले कंपार्टमेंट के लिए हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव. बहुत सिंपल वेजिटेबल पुलाव है. उसके लिए हमारे एक हमने लिया हुआ है भिगोए चावल, थोड़े से फ्रेंच बीन्स, मटर, गोभी बारीक कटे हुए हैं, गाजर, प्याज कटा हुआ बारीक, अखा गरम मसाला, थोड़ा धनिया, घी. ये पुलाव घी में ही बनेगा, ये बिल्कुल तेल में नहीं बनेगा, ये पूरा घी में बनेगा पुलाव. नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर. पुलाव बनाने के पहले स्टेप, एक स्टॉक पॉट थोड़ा सा गहरा वाला, उसमें घी, शुद्ध घी. घी डाला भाई, घी के साथ मुस्कुराहट हो तो फिर कोई टेंशन नहीं. तमालपत्र और अखे गरम मसाले, लौंग, दालचीनी, इलायची, जावित्री, थोड़ा सा हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे. वाह, और प्याज कटा हुआ बारीक प्याज. प्याज डाला आपने, प्याज भून चुका है, ब्राउन हो चुका है प्याज. अब उसके अंदर ये सारी सब्जियां जाएंगी. एब्सोल्युटली. बीन्स, इनका सिग्नल भी आ गया, इनका सिग्नल भी आ गया कि डालो डालो डालो. ये जापानीज लोगों को अपने इंडियन सिग्नल्स कैसे मालूम सोचता हूँ. उसको तो सुशी उशी की आदत होगी. इस जो क्या है इसका नाम, इंडक्शन को, इंडक्शन 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 को, इंडक्शन को. गाजर, मटर और फरस भी डाली है इसमें, बीन्स और ये थोड़ा सा फूल गोभी. फूल गोभी थोड़ा भुनना है. हल्की सी सब्जियां आपने आप पानी छोड़ दी है थोड़ा सा उसको पकने के लिए. एब्सोल्युटली. अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालेंगे. वाह, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला थोड़ा, गरम मसाला बहुत नहीं क्योंकि एक सादा पुलाव बना रहे हैं तो बहुत उसको मसालेदार नहीं करना, तेज हो जाएगा. और एक चम्मच मिर्ची पाउडर, हल्दी तो थोड़ी सी हल्दी, द ग्रेट आयुर्वेदिक हल्दी. अब ये उठी है, मैं सब अच्छी तरह से भून गई है. ये सब्जियों को अच्छी तरह से मिलने के बाद में हल्का सा हम क्या करेंगे, सॉटे कर रहे हैं, सॉटे करेंगे. सॉटे करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे. वाह, बस भिगो हुए बासमती चावल को डालेंगे इसमें. अब जो ये बासमती की जो खुशबू अब जो उभरेगी, हाँ, फिनिशिंग लाइन तक लगता है आपके इस इंडक्शन को भी मजा आया सुनकर. दाद दे रहा उसको खाना सुनकर ही मजा आता रहता. yes, है लकी बॉय. इसके लिए और चाहिए करता रहता है वो. लकी बॉय ये कहूँगा. ये आपकी पुलाव की सब्जियाँ भून गई है. ये बन गया सर? बन गया बिल्कुल. अलग 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 एक एक दाना अलग अलग होगा घी के इसमें. और आप खा के देखिएगा इसका. अब हाथ नहीं, चमचा चलेगा. चमचा चलेगा. और डब्बा लेके आऊं फिर? डब्बा स्टैनली के लिए भी तो देना है थोड़ा सा. डब्बा भरते स्टैनली ला रहा हूं बेटा. Yeah.
जी खाना खजाना के फिल्मी रसोई देखने वालों, भाई शेफ हर्षल की वजह से मेरा स्टैनली का डब्बा वजनदार हो गया, भर गया। स्टैनली का डब्बा भर गया, हमारा दिल भर गया। सर मैं कैसे आपके आपका शुक्रिया अदा करूं? स्टैनली खाएगा जब वो पसंद करेगा, तब वो शुक्रिया अदा मेरे लिए होगा। अरे शाबाश, तो फिर मैं आपको फ़ोन करता हूं। बिल्कुल, जब स्टैनली खाएगा। लेकिन ये मैं आपसे वादा कैसे करूं कि जाते जाते बस में या चलते चलते ये डब्बा मेरे हाथ से खुले नहीं और कहीं एक दूसरा ही वो स्टैनली को सोचिए और वो खुद ब खुद नहीं खुलेगा। अरे अरे, अरे बापरे बापरे, बड़ी जिम्मेदारी है ये। मैं बहुत प्यार से ले जाऊंगा डिब्बा। बाय बाय।